क्या कितने की लेके आई है ये लाया मैंने 1,90,000 की। झगड़े हो गए। ब्रेकफास्ट वो सब कर लिए है, पैकिंग चल रहा है एंड अभी चेकआउट कर देंगे आई विद इन हाफ एन आवर एंड देन वी आर गोइंग टू पुष्कर। पुष्कर इज ओनली 13 किलोमीटर्स फ्रॉम अजमेर और मैं पुष्कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे एक फ्रेंड है कनिष भाई, उन्होंने रिकमेंड किया कि विजिट दैट प्लेस और वो जगह बहुत अच्छी है बिकॉज उनका होम टाउन है और फिर हम लोग वहीं से डायरेक्टली आज ही निकलेंगे मुंबई के लिए। सो मुंबई इज अराउंड 1116 किलोमीटर समथिंग फ्रॉम हियर और हम लोग अभी निकलेंगे बाय अराउंड 4 or 5, मतलब जब धूप कम हो जाएगा तब हम लोग निकलेंगे बेसिकली। कल रात में बहुत मज़ा आया एक्चुअली, हम लोग गए थे रात में दरगाह पर जो कि अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पर, और हम लोग ऑलमोस्ट थे रात के 2 बजे तक वहीं पर एंड जो फीलिंग था ना बॉस इट वॉज अमेजिंग, मतलब इट वॉज एकदम नेक्स्ट लेवल का, एकदम पीसफुल। हम लोग बैठे थे वहाँ पे बहुत देर तक, हम लोग दोनों ने बहुत देर तक मेरे फ्रेंड ने चैट किया होगा उसके बाद में देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। सो गाइस गुजरात अगर मैं जाऊँ और मेरे दोस्त बाबा जो स्पीति के थे वो गुजरात के ही है तो उनसे अगर ना मिलूँ तो फिर भाई अगली बार अगर मुझे गुजरात में एंट्री नहीं मिलेगी। सो हम लोग जाने के वक्त गुजरात होते हुए जाएंगे तो उसमें हम लोग वहाँ पर मेरे फ्रेंड जो है निकुंज भाई उनसे मिलने वाले हैं और उनसे मिलकर फिर हम लोग निकलेंगे आगे मुंबई के लिए। सो फॉर एवरीथिंग वेंट गुड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया दिस वाज अ अनप्लान्ड राइड और फिर अनप्लान्ड राइड में आपको भी पता है कि अप्स एंड डाउन होते रहते हैं जो हमारे साथ भी हुए, हॉल्ट ज़्यादा हुए इसलिए थोड़ा लेट भी हो गए बट देन पहुँच तो गए सेफली। मेन क्या है जगह पर सेफली पहुँचना जो हम लोगों ने कर लिया और अब नेक्स्ट है आज रात में निकलना जो कि हमें फिर सेफली पहुँचना है हमारे घर। सो गाइस फोटोज़ भी बहुत अच्छे अच्छे क्लिक हुए हैं पूरी थ्रू आउट जर्नी में जो मैं अपलोड करूँगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ फॉलो मी देयर। कल रात में हम लोग जब दरगाह से रिटर्न यहाँ पर होटल में हमारे आए थे तो हमें मिली थी एक इलेक्ट्रिक रिक्शा विच वॉज सुपर, मतलब सिर्फ एक्सीलेटर पुल करो तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, इट वॉज डैम साइलेंट, इतना मज़ा आ रहा था ना। जब हम लोग होटल पहुँचे तो मैं खुद रुक के रिक्शा वाले को मैंने बोला कि यार मैं चलाऊँगा अभी। सो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है इंस्टाग्राम के मेरे अकाउंट पर, दो चेक इट आउट। मेरे एक फ्रेंड है हिमू राजपूत और वो मेरे फ्रेंड कम सब्सक्राइबर भी है, सो उनका मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे टू मीट मी एट अहमदाबाद बट द थिंग इज कि मैं नहीं मिल पाया उनसे जस्ट बिकॉज जो अहमदाबाद से होते हुए जाने वाला वो हालोल वाला रूट था। सो रियली सॉरी फॉर दैट हिमू इफ यू आर वॉचिंग दैट, नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा अगर आना हुआ सो आई डेफिनेटली मीट यू। सो गाइस आपको एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ हम लोग जो रूम में रुके हैं वो किस तरीके से दिखता है और उसका व्यू क्या है। पहले आता है ये बाथरूम एंड देन दिस इज द बेड, किंग साइज बेड है, ये बड़ी विंडो, यहाँ से व्यू तो यह मेन रोड का है और ये है मेन रोड। ये रूम जो हम लोगों ने लिया था ना इसका प्राइस था 2600 रुपीज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट बट हमारे समद भाई यहाँ पर आते रहते तो उनके पहचान अच्छी थी तो उस वजह से उनको हमें ये ऑफर हुआ 2500 रुपीज में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड अपग्रेड भी मिला फ्रॉम डीलक्स टू स्वीट। आप लोग पोपाइजर बाइकर का हैशटैग यूज करोगे ना तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे पहचान बनानी पड़ती है, बार बार आना पड़ता है, ये लोग बहुत बार आते हैं तो इनकी पहचान से हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया और प्लस अपग्रेड भी। क्या कितने की लेके आई है ये लाया मैंने 1,90,000 की। झगड़े हो गए। सो इट्स 5 PM now, 5:10 almost और अभी हम लोग हमारी होटल जो थी वहाँ से चेकआउट कर दिया है, बैग वैग सब ले लिया है, एक्चुअली थोड़ा टाइम हो गया बिकॉज वी वेंट टू दिस अजमेर श्राइन अगेन जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो श्राइन है
वी वेंट अगेन ओवर देयर देन लंच किए लंच करके अब जस्ट वी आर लीविंग नाउ फॉर पुष्कर इट इज़ जस्ट अराउंड 14 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट विल टेक अप्रॉक्स 31 मिनट्स अकॉर्डिंग टू गूगल एंड टी ओके चलो सो गाइस ये है आना सागर इसका भी एक स्टोरी है अब वो मुझे अभी फिलहाल में याद नहीं है गूगल कर लो सही बोला गूगल कर लो आना सागर की स्टोरी सो गाइस दिस इज आना सागर वहाँ पे क्लीनिंग चल रहा है वो पूरा सिटी अजमेर सिटी है एंड बहुत क्लीन पानी है वहाँ पे एक्चुअली लोग ज़्यादातर जाते बैठते हैं वहाँ पर ये नया बना है पहले ये नहीं था हम लोग बहुत पहले में गए थे ना तो वहाँ पे गए थे पूरा मार्बल का बना हुआ है और वहीं पे सब लोग ज़्यादातर बैठते हैं ओ यहाँ पर भी ये बनाया हुआ सेम बीच में घर है पता नहीं वो क्या था साइड में पूरा यहाँ पर पूरे सिटीज है पूरा चारों तरफ पानी को घेरा हुआ बीच में एक छोटा सा आइलैंड टाइप है वहाँ पे बोट्स भी दिख रही है पता नहीं बोटिंग होती है कि नहीं यहाँ पर चलो ये देखो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार मतलब स्टेप 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 करके घर पुष्कर नहीं पूरी चारों तरफ सिटी है पुष्कर सिटी पूरा यहाँ पे टेम्पल्स है पुष्कर हम लोग देख लिए लेक पर जाके बैठ गए थोड़ी देर सनसेट हुआ एंड देन नाउ वी लीविंग फॉर मुंबई जस्ट लुक एट दिस गुरुद्वारा यार इट्स सो बिग पूरा मार्बल का पूरा सो गाइस दिस इज अजमेर जंक्शन पुष्कर से हम लोग अभी आ गए रिटर्न और बस 18 hours, 2 minutes according to Google Maps 1005 kilometers okay so now we leave for Mumbai guys took a fuel break near Pali, Rajasthan और पूरा ख़त्म हो गया एक लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रही हम लोग ऑलमोस्ट अब तक चला चुके हैं 250 किलोमीटर वी हैव ridden till now took a halt in Pali थोड़ा चबर चबर करने आके देन वी लीव मजा आ रहा है जल्दी 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 तो मुंबई मुंबई बोल मुंबई बोलो मुंबई 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 हैशटैग को इग्नोर करो फेस को भी इग्नोर करो लेकिन वीडियो को इग्नोर मत करो सो
सो गाइस, पहली में हमारा हो गया खाना पीना, वो खाना ही खाया, मतलब बिस्किट इसी खाए, बिस्किट इसकिट खा लिया हम लोग ने, और अभी तो कोई हॉल्ट नहीं होगा, अभी डायरेक्टली चलना है, पहुंचना है डेस्टिनेशन पर, चलो चले हम। सो गाइस इट्स 3 AM नाउ और हम लोग रुके हैं होटल कैरवान इज होटल नेम एंड हम लोग अभी डिनर कर लेंगे और डिनर करके फिर हम लोग जाएंगे गांधीनगर, क्योंकि गांधीनगर में हमको मिलने वाले हैं निकुंज भाई, जो निकुंज बाबा वो मिलने वाले हैं। सो यहाँ से डिनर करके वी लीव गांधीनगर फ्रॉम हियर। एक्चुअली ये प्लेस का नाम जो है ये सिद्धपुर है और यहाँ से गांधीनगर है ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर समथिंग, विच विल टेक अप्रॉक्स 1-1.5 आवर ऑलमोस्ट। जाके मिलेंगे और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन वी लीव फॉर बॉम्बे। अभी के लिए डिनर, जो कि बहुत ज़रूरी है। So guys, it's 5 AM in the morning and we are still at a hotel caravan जहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था। एक्चुअली रात में 3:15 बजे कुछ हम लोग ने यहाँ पर आए थे, हम लोग डिनर किए थे, उसके बाद में देन वी आर फीलिंग अ बिट स्लीपी, सो जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग अ पावर नैप, ले लिया, वोक अप, फटाफट पूरा गियर अप हो गया एंड नाउ वी आर लीविंग अगेन। ये भाई साहब वॉक कर रहे हैं पीछे क्या हो गया, नींद मिली अच्छी यार, थोड़ा फ्रेश हो गया भी, आवाज गई। चलो सी यू ऑन द बाइक। सो लेट्स स्टार्ट, दिस वाज द होटल वेयर वी आर स्टेइंग। जो पावर नैप था हमारा यहाँ पे हुआ, डिनर भी यहीं पे हुआ है, नाउ ऑफ टू गांधीनगर। गाइस इट्स 6:20 AM एंड वी केम टू ऊंझा इन द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट उनावा। यहाँ पे भी एक श्राइन है हजरत सैयद मीरा अली दातर, ये उनका ही श्राइन का वो है दक्षिण साइड, वहाँ आगे से रास्ता है जाने का। सो गांधीनगर इज स्टिल 1 hour 35 minutes अवे, विच इज 81 किलोमीटर्स, पहुँच जाएंगे, सनराइज भी हो गया। बाबा पहचानने में नहीं आ रहा, सॉरी बाबा पहचानने में नहीं आ रहा, बढ़िया एकदम, हालत खराब लग रही है। निकाल दिए, अरे यार थोड़ा लगा ऐसा कि निकाल देते हैं। और भाई ये समझ बाबा, आओ यार ना बेटा, सिम्बा नाम सिम्बा है बाबा, मैं एंट्री मार दूं क्या, नाम सिम्बा, बड़ा होके होऊंगा लंबा। गाइस इट्स 10 AM नाउ और मैं बाबा हमारे बाहर तक का छोड़ने आ रहे, निकुंज भाई उनसे मिला ऑलमोस्ट 2-2.5 hours के ऊपर हो गए हम लोग साथ में ही है, और अभी वो फिलहाल आ रहे हैं हमको बाहर तक छोड़ने। टोटल किलोमीटर्स वाइज देखने जाएंगे तो 546 किलोमीटर्स है जो मुंबई तक।
some refreshments and थोड़ा नाश्ता भी करने के लिए. और अभी हम लोग खा कर निकलेंगे फिर बॉम्बे के लिए. इट्स ऑलमोस्ट 12 नाउ, 12 PM. और धूप कड़क हो चुकी है, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रहा है, इस वजह से हम लोग बार बार रुक रहे थे पानी पीने के लिए. सो खा के हो गया है, पानी भी पी के हो गया है. माई फ्रेंड समर्थ इज हैविंग अ पावर नैप. बस विद इन 5-10 मिनट्स वी लीव फ्रॉम यू. So guys, we have reached, I don't know where, but somewhere in Gujarat. We have crossed Surat. Wo bhi cross karke almost 45 kilometers ho gaye. And took a halt over here at Hotel Hotel Furat. Pure veg. So we have parked our bikes over here. Time is 6 PM. And ab yahan se Mumbai is around 232 kilometers, which will almost take 3.5 hours something. Because there is a lot of traffic in Mumbai. There will be a lot of traffic in Mumbai. It will start from the Fountain Hotel itself. Bhai, chal raha hai abhi. We'll have food and then we'll leave. Guys, it's 7:10 PM and हमारा खाना हो गया लंच. नाउ वी आर लीविंग फॉर मुंबई. मैं बता रहा अब और 4 घंटा 9 मिनट लगेगा. इट्स 225 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. वी विल रीच ऑलमोस्ट बाय 11:30. ये ट्रिप बहुत लंबी हो गई यार. आई नो वी टुक लॉट ऑफ हॉल्ट्स बिकॉज इतना गर्म हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं यार. वी टुक हॉल्ट्स जस्ट टू ड्रिंक वाटर एंड जस्ट टू सिट फॉर अ वाइल इन द शेड क्योंकि बर्दाश्त के बाहर गर्मी थी यार. शुभ लेट्स गो. Daddy, hug you? Come here, give me a hug. One of us, come here, give me a hug. So guys, 11:30, हम लोग पहुंच गए घर और फिर मैं मेरी बच्ची से मिला हूँ, मेरी बेटी से. ऑलमोस्ट 4 डेज के बाद बहुत अच्छा लगा मिलकर. मतलब जब उसने आके मुझे हग किया ना, मेरी सारी थकान जो थी ना वो कम्प्लीटली जा चुकी थी. टॉकिंग अबाउट द राइड, बस आते वक्त हम लोग को लग गया जाने से भी ज़्यादा टाइम. जाते वक्त हमें लगा था ऑलमोस्ट 24.5 आवर्स समथिंग और आते वक्त हमें लग गया मोर देन 25 आवर्स क्योंकि बहुत सारे हॉल्ट हुए. गुजरात को ना यार धूप में पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि मोर देन 35+ टेम्परेचर था और हम लोग धूप में हालत ख़राब हो रही थी. सूरत जैसे हम लोग पहुँचे वैसे ही मैंने बाइक रुका करके मेरा जैकेट ग्लव्स सब निकाल कर ना मैंने बंजी कॉर्ड से पीछे मेरे टॉप बॉक्स पे बांध दिया बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट इतना गर्म टेम्परेचर यार. मतलब हद पार, मतलब इतना कड़क धूप था कि आंखें बंद हो रही थी. मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी नींद आने वाली, रुक के फेस पे पानी मार मार के तो अपने आप को जगा रहे थे हम लोग. बट देन इन द एंड हम लोग इंटरकॉम से कनेक्टेड थे. सो मेरे फ्रेंड को मैं पहले बता दिया था समझ को कि भाई मुझे थोड़ी नींद जैसी लग रही है, तो ही वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग सो दैट आई डोंट स्लीप.
जो बहुत हेल्प कर रहा था ये चीज में कि आंखें बंद नहीं हो, बस रोड पर ध्यान हो, क्योंकि कंप्लीट सीधा सीधा रोड यार, कितना देखेंगे रोड 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 रोड। बट देन पहुंच गए अच्छे से, सेफली पहुंच गए। आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई फ्रेंड समद, जिसने मुझे पूरी राइड मतलब बहुत अच्छे से हमारी मैनेज किया था। सो गाइज, बहुत मज़ा आया मुझे तो ये राइड करके। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा ये वीडियोज़ देखकर, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर, चाओ।